नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। दोस्तों, इंसान से नहीं बल्कि इस जानवर से फैला है एड्स का लाइलाज रोग। एड्स एक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी को इसलिए लाइलाज कहा जाता है क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। इस बीमारी से ग्रसित इंसान धीरे धीरे मौत के मुंह में चला जाता है। कई सालों से इसके इलाज की खोज की जा रही है पर ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसकी लगातार खोज की जा रही है। आपसे आज हम एड्स की ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आप अभी तक नहीं जानते होंगे। वैसे तो अधिकतर मामलों में एड्स असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ही होती है, लेकिन इस बात को देखकर आपके मन में एक सवाल तो आता ही होगा कि आखिर सबसे पहले एड्स कब और किससे फैला होगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एड्स फैला है। दरअसल एड्स की शुरुआत किसी इंसान से नहीं बल्कि जानवर से हुई थी। जी हाँ, आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। चिंपैंजी में पाई गई थी ये बीमारी। एड्स जैसी खतरनाक बीमारी की शुरुआत किसी इंसान से नहीं बल्कि जानवर से हुई थी। आपको बता दें कि ये खतरनाक बीमारी सबसे पहले बंदरों की एक प्रजाति चिंपैंजी में पाई गई थी। सर्वप्रथम कांगो देश के बंदरों में ये बीमारी पाई गई थी। इसके बाद से ही ये हर जगह फैला है। 19वीं शताब्दी में हुई थी शुरुआत में। आपको बता दें कि एड्स की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसके बाद से ही इसको लेकर लगातार शोध चल रहे हैं, पर किसी भी तरह से आज तक इसका इलाज मिलना संभव नहीं हो पाया है। अभी तक काफी लोग इस खतरनाक बीमारी से मर चुके हैं। इतने लोगों की हो चुकी है मौत। एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके कारण अब तक करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। अगर वर्तमान की बात करें तो करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। अगर आने वाले समय में इनको इलाज न मिला तो इन लोगों की भी मौत निश्चित है। 1959 में कांगो देश में मिला पहला संक्रमित व्यक्ति। इसकी शुरुआत 1959 में कांगो देशों में हुई थी और वहीं पर सबसे पहला संक्रमित व्यक्ति पाया गया था। जब डॉक्टरों ने इसका चेकअप किया और 5 लोगों पर चेकअप किया जिनको निमोनिया था, इस टेस्ट में पता चला कि उन लोगों के मुकाबले में एड्स संक्रमित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो चुकी थी। इसके बाद से ही इसके एड्स का नाम दिया गया। पहले ग्रिड था इसका नाम। आपको बता दें कि पहले डॉक्टरों को ये लगा कि ये बीमारी केवल समलैंगिकों में ही पाई जाती है तो इसका नाम ग्रिड रखा गया था। लेकिन जब पता चला कि ये बीमारी विषमलैंगिकों के भी पाई जाती है तब इसका नाम बदलकर एड्स रखा गया था। मिल गया एड्स का वायरस। जब इसकी समस्या ज्यादा बढ़ने लगी तब वैज्ञानिकों ने 1983 से 1985 तक इसकी खोज की और सफल भी हुए। ये दोनों वैज्ञानिक फ्रांस के थे। अमेरिका है पहले स्थान पर। ये वायरस जब अस्तित्व में आया तो देखते ही देखते 85 देशों में फैल गया। इन देशों की सूची में अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा इसके मरीज अमेरिका में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।